और वही हम बात करें कि आप शादी कब करने वाले हैं सुशील भैया। शादी आप तो टॉपिक काफ़ी छेड़ दिए सुशील भैया आपसे। यह सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आप YouTube से कितना अर्निंग कर लेते हैं, ये बहुत ही ऑडियंस का सवाल है जी। सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनोखी स्टोरी। फिर आज की इस वीडियो में एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल के डांसर है, जिनका नाम है डांसर सुशील कुमार। ये बहुत ही कमाल के डांस करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इनसे बहुत सारे बातें जानेंगे कि आखिर ये YouTube से कितना अर्निंग करते हैं और भी कई प्रकार की जानकारी है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इनके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम सुशील भाई के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं अनोखी स्टोरी चैनल को देखने वाले जितने भी भाई लोग हैं सबको पैर छू के गोद लगता हूँ। और आप मेरा आज का स्टोरी वीडियो जो इंटरव्यू जो आया है तो बहुत पहले से भाई ने कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे फ़ोन करके कि भाई इंटरव्यू वीडियो चाहिए। तो मैं इनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल ये समझे कि भाई मुझे इस इंटरव्यू पे लाएँ, कि मैं इनको लगा कि मैं इस इंटरव्यू के लायक हूँ और मुझे इंटरव्यू पर लाएँ। बहुत पहले इंटरव्यू आ गया होता लेकिन मैं कुछ काम में बिजी था, इसी वजह से आज अब तक का वीडियो नहीं आ पाया इंटरव्यू का। हाँ, तो सबसे पहले तो आप अपने ऑडियंस को बताइए कि आपका YouTube पर यानी 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, यानी कि मायने रखता है जो कि हाँ। तो आप YouTube के क्षेत्र में कितने दिनों से आए हैं इस डांसर के फील्ड में? YouTube के क्षेत्र में और इस डांसिंग लाइन में तो मुझे आए हुए YouTube डांसिंग लाइन में नहीं, अभी मैं YouTube पे बस बता रहा हूँ कि मुझे इस YouTube पे आए हुए कितने दिन हो गया। मुझे YouTube पे आए हुए कम से कम 3 साल तो हो ही गया होगा, 3 साल से ज़्यादा ही होगा, 3 साल से कम नहीं हुआ होगा। अच्छा, और इससे पहले आप YouTube पर आने से पहले आप एक अच्छा खासा डांसर थे, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या चीज़? YouTube पर आने से पहले आप क्या करते थे? एक डांसर क्लास का तो आपका एकेडमी था। हाँ हाँ, YouTube पे आने से पहले मेरा एक छोटा सा डांस क्लास था। तो अच्छा। मैं देखिए, मैं YouTube पे कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा डांस क्लास था तो मैं उसमें डांस जैसे सिखाता था लड़कों को। तो मैं क्या करता था, अगर किसी का बीट क्लियर नहीं हो पाता था तो मैं एक वीडियो बना देता था। मैं पहले भोजपुरी नहीं करता था, मैं एक वीडियो बना देता था कि एक वीडियो के माध्यम से लोग जाके घर पे वीडियो को स्लो मोशन करके देख के स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे लोग। तो मैं YouTube के माध्यम से मैं एक वीडियो बना देता था ताकि लोग जाके देख के सीखें। तो मैं एक दिन क्या किया, मैं भोजपुरी नहीं करता हूँ लेकिन मैं फिर भी भोजपुरी का जानते हैं क्रेज चल रहा है, भोजपुरी का ज़्यादा मार्केट चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि भाई भोजपुरी डांस करो यार, भोजपुरी डांस कौन नहीं करता है। तो हम बोले हाँ भाई सही है, भोजपुरी अपनी भाषा है तो भाई करना चाहिए। तो हम भोजपुरी डांस करने लगे, तो उसके से सिखाने लगे। तो एक लड़का था उसका स्टेप क्लियर नहीं हो पा रहा था, जो कि गाना था खेसारी जी का था, जी अरवा करे धुकुर धुकुर। अच्छा अच्छा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपका चैनल पर इस पर व्यू चला। हाँ, पहला वीडियो मेरे चैनल का हुआ तो जियरा वगैरह धुकुर धुकुर था। तो मैं बस उसमें आप देखे होंगे, उसमें मैं लिपसिंग भी नहीं दिया हूँ, वीडियो का लिपसिंग भी नहीं दिया हूँ। बस वैसे मैं एक वीडियो बस बना रहा था कि चलो बना देता हूँ वीडियो और इसको देख के लोग सीखेंगे। तो मैं उस वीडियो को बना के दे दिया और वो लड़का मेरे नाम से एक भोजपुरी जिसको जो मेरा चैनल है वो लड़का मेरा ईमेल आईडी उसके फ़ोन में था। तो वो क्या किया, वीडियो को अपने उस चैनल पर डाल दिया भोजपुरी डिस्को पे। अच्छा, चैनल का नाम भोजपुरी डिस्को नहीं था पहले, पर चैनल का नाम पहले था SMJ डांस एकेडमी ऐसे कुछ था। तो ये क्या किया, उस वीडियो को उठा के, मैं नहीं जानता था, उस वीडियो को उठा के डाल दिया चैनल पे और डाल दिया चैनल पे वीडियो पे चैनल पे वीडियो कम से कम 1.5 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। 1.5 महीने के बाद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स किया तो उसके वजह से लोगों ने बोला यार, अभी एक मेरे टेक्निकल वाले एक दोस्त हैं जिनका नाम है अजीत नाम से कुछ है, तो बताया कि यार इतना अच्छा व्यूज़ गया है तुम और वीडियो बनाओ, कहना ना ट्राई करें, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसा है फंडा अर्निंग है और यूट्यूब पे एक बार आ गए तो समझो कि तुम डांस क्लास भूल जाओगे इसी से। तो बहुत कुछ बोले, मैं इन बातों को इग्नोर कर दिया। फिर कुछ बाद में हुआ, वीडियो का इतना व्यूज़ आ गया तो मैं बोला अरे यार इसे तो बहुत अच्छा लग रहा है और कमेंट इतना अच्छे से कमेंट आने लगे कि कमेंट पढ़ के मैं मोटिवेट हो गया, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं दूसरा वीडियो बनाया सुताला तनिकोरा में और एक उसमें मिक्स किया था, एक सुताला तनिकोरा में और एक और था हे भगवान जी बमन हो जाए, वो भी वीडियो मेरा मिलियन में चल गया। मैं दो वीडियो बनाया, मेरा दोनों वीडियो मिलियन में चल गया। तब भी मैं थोड़ा सा हो गया कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए और मैं यूट्यूब से जुड़ गया। और हाँ, और फिर उसके बाद तो आपको खुद लगा होगा कि मैं अब YouTube पर काम करूँगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि दो वीडियो हाँ। मैं सोचा कि तो आपका डांस एकाड मैं सोचा कि जब तो काफ़ी लोग YouTube पर जुड़े हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं बहुत सारे YouTube के बारे में उतना मेरे पास नॉलेज नहीं था इस पे, जब इस फील्ड में उतर गया, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तब मुझे पता लगा कि नहीं इसके बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि YouTube भी एक जो भाई काम करते हैं उन लोगों को पता होगा YouTube भी एक पढ़ाई से कम नहीं है। जो इसको नहीं जान पाएगा उसका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो मुझे मैं सोचा कि पहले वीडियो बनाने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, पता चला मैं इस पर मेहनत करूँ मेरा पूरा मेहनत खत्म हो जाए फिर खराब हो जाएगा सारा काम। हाँ ये तो बात सही। तो मैं और अगर हम बात करें कि आपका जो आप अभी भी आप डांस अकेडमी चला रहे हैं कि आप क्लोज कर? नहीं नहीं अभी डांस अकेडमी नहीं चल रहा है क्योंकि अभी उतना समय नहीं बच पा रहा है। अभी बीच में चल रहा था डांस अकेडमी जो कि मैं नहीं चला रहा था, मेरे पास जितने लड़के सीखते हैं तो कुछ लड़के ऐसे हो गए थे सब कि लड़कों को डांस सिखा सकते हैं सब, तो फिर वही लोग चला रहे थे, बस मेरा नाम था उस पर लेकिन वो लोग चला रहे थे। तो अभी वो लोग भी अभी टीम वर्क में आ गए हैं, सभी लोग टीम में आ गए हैं, तो उन सबके पास कोई समय नहीं टाइम नहीं है, तो अभी हम लोग फिलहाल एकेडमी नहीं चला रहे हैं। तो एक भाई ने मेरे कमेंट किए थे कि सुशील भाई का डांस एकेडमी कहाँ पर है, तो आप जगह का नाम बता दीजिए ताकि वो भाई देखे तो उनको लगे हाँ मेरा गिरचंद भाई ने पूछा। जी जी बिल्कुल, देखिए मेरा डांस क्लास अभी तो नहीं है लेकिन था, मैं बता रहा हूँ इससे पहले कहाँ पे, क्योंकि अभी तो मेरे पास उतना आदमी समय नहीं बचा पाता है तो कहाँ से क्लास चला पाएगा। तो देखिए इससे पहले था महुआडी में, महुआडी मैं बताता हूँ यूपी में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला गोरखपुर मंडल सबको पता होगा। गोरखपुर से आप जाएंगे 50 किलोमीटर उधर देवरिया, और देवरिया से महुआडी आपको पड़ेगा 15 किलोमीटर। महुआडी मार्केट में मेरा एक डांस क्लास था इससे पहले। तो अब आपको कैसा लगता है कि आपका YouTube पर 5 लाख सब्सक्राइबर प्लस में आपका वीडियो पर मिलियन में व्यूज जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए बस यही कहेंगे कि बस इतना व्यूज़ देख के और इतना सबका प्यार सपोर्ट देख के बस ये होता है कि हाँ आदमी करेगा तो कुछ कर लेगा और करते ही रहना चाहिए। अच्छा, और आगे का आपका क्या प्लानिंग है कि यूट्यूब पर बस डांस करना है कि और भी कुछ नए सोच है आपका? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आदमी काम करेगा नया सोचता रहेगा, कब तक वो डांस करेगा। तो फिर सोच यही है कि आदमी और आगे बढ़े, अच्छे लेवल पे जाए, अच्छे कोरियोग्राफर बन जाए, या फिर ऐसे में तो सबका एक सपना होता ही है कि वो हीरो बने। हाँ ये तो बात, सपना तो सबका होता है कि वो भी हीरो बने, लेकिन सपने को अभी साइड में रख के बात करते हैं कि बस आदमी हम ये सोच रहे हैं कि भाई डांस कर रहे हैं जीवन भर तो आदमी डांस करेगा नहीं। हाँ ये तो बात, हाँ जीवन भर आदमी डांस कर रहे और एक बढ़िया सा कोई एक और एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हाँ इस लाइन से अब काम करना है और यहाँ पे रहना है, या फिर जैसे हाई लेवल की कोरियोग्राफर लाइन हो गई या फिर हीरो लाइन हो गई, इस तरीके से कोई भी काम। अच्छा, और एक भाई ना आपसे पूछे थे, वो भी लगता है सर डांस सीखता था या तो फिर करता है, कि भैया का मतलब एक वीडियो जो कि 35 मिलियन व्यूज गया है और भी वीडियो उनका वायरल होता है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे बस उन्हीं जैसे भाई लोगों का हाथ है कि वो लोग देखते हैं वीडियो को, देखते हैं इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, और जो 35 मिलियन वीडियो व्यूज़ गया है उस व्यूज़ वो जो व्यूज़ गया है मुझे उसका उतना उम्मीद नहीं था कि इतना मिलियन जाएगा, क्योंकि उस वीडियो का बैकग्राउंड जो कि उस वीडियो का लोकेशन है बहुत लोकेशन हमको उस वीडियो का लूज लगा, लोकेशन मैं सोचा कि लोकेशन तो बहुत लूज है क्योंकि हम लोग वीडियो हम लोग दो घंटे में शूट किए हैं, जो वीडियो 35 मिलियन गया है वो वीडियो हम लोग 2 घंटे में शूट किए हैं। हमने बोला कि यार ठंडी का माहौल था और कैमरा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, पूरा उसमें से शीत पड़ा था, तो हम सोचे कि यार अभी तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्या करें, डांस तो भाई इसमें हुआ है जो होना चाहिए था, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात हुआ है कि वीडियो केमिस्ट्री से बैठ गया, जो कि जो छोटी वाली लड़की डांस करती है तो लड़की भी छोटी हो गई, वीडियो में लड़की भी छोटी हो गई, गाने से केमिस्ट्री बैठ गया और चोटी भी बड़ा मिल गया। तो उसका और भैया ने और मतलब उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए जो उस वीडियो में डांस किए थे आपके साथ में, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। और कौन कौन जो गर्ल्स है, गर्ल्स आपके साथ में डांस किया था ना? हाँ तो देखिए वो उसका नाम है छोटी, वो भी पहले डांस सीखती थी कहीं, तो वो भी तो उनका भी नाम छोटी है, उसका भी नाम छोटी ही है, पहले मुस्कान नाम था तब तो पूरा एकदम बचपन का नाम मुस्कान था, उसके बाद से 2-3 साल बाद उसका नाम छोटी पड़ गया, इस वीडियो से पहले से छोटी नाम है उसका। अच्छा तो वही बात हुई ना, केमिस्ट्री बैठ गया, छोटी छोटी बैठ गया तो फिर वायरल तो होना ही था। तो बस वो लड़की जो है तो पहले कहीं डांस सीखी थी, उसके बाद से उसका घर मेरे घर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर था, तो यहाँ पे आ नहीं पाती थी, आने का चाह था लेकिन आ नहीं पाती थी, जैसे कि मेरे अकेडमी पे आने का कई लोग सोचते हैं, देखिए कुछ लोग आए थे दूर दूर से आके लोग रूम लेकर सीख रहे थे रह के,
तो लोगों को मान लीजिए आज के समय में कोई भी फ्री नहीं है, तो फिर लोगों को परेशानी हुआ, तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग सीखे। तो अभी 8 किलोमीटर से लड़की, अब जब कुछ दिन तक तो इसको कुछ लोग थे जो हमारे अकेडमी में सीखते थे, इससे पहले से पहचान हो गया था, तो इसको लेकर गया सब, लेकर आते थे सब, लेकर गए थे, लेकर जाते थे सब, और लेकर आते भी थे सब, जो कि इसका अकेडमी मेरे से दूर पड़ता था, कम से कम इसका घर 13 किलोमीटर। और उसके बाद वो लड़के क्लास छोड़ दिए सब, तो उसके बाद ये खुद अकेले साइकिल चला के जाती थी, साइकिल चला के आती थी। तो सुशील भी आपसे ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप यूट्यूब से कितना अर्निंग कर लेते हैं, ये बहुत ही ऑडियंस का सवाल है। यूट्यूब से अर्निंग की जहाँ तक बात है, यूट्यूब से अर्निंग इतना हो जाता है कि मेरे जितने भी मेरा जितना भी काम होता है फंसता नहीं है, रुकता नहीं है, मेरा काम हो जाता है। और मेरे खर्चे से लेकर जो भी मेरा काम है, जो जैसे कि मैं कुछ थॉटिंग करता हूँ कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरे होना चाहिए, तो मेरा वो पूरा हो जाता है। अच्छा, YouTube से मतलब आपका शौक है, या तो फिर आप जो भी चाहते हैं जो YouTube से मिल रहा है आपको, मुझे उतना तक मैं अगर चाहूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे अगर चाहने का मतलब तो बहुत कुछ हो जाता है, मैं ऐसा कुछ चाहूँगा नहीं कि मुझसे हो ही ना पाए। हाँ, फिर भी मैं फिर भी अपने हिसाब के अनुसार, यानी कि ये नहीं कि बड़े बड़े ख्वाब देखना नहीं, यानी कि अपने हिसाब के अनुसार कहते हैं जितनी चादर उतना पांव पसारा जाता है, उसी टाइप का है कि जितना नहीं तो उस तरह मान लीजिए कोई नहीं कर पाएगा ना। अब जितना मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझसे इतना हो जाएगा, वो मैं कर लेता हूँ, और मेरे ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आता है। कोई चीज़ अगर दिक्कत होता है तो मैं उसको जल्दी उसको सॉल्व कर देता हूँ, इतना अर्निंग हो जाता है। तो आप लोगों का, यानी कि आपका तो एक अच्छा खासा टीम समझ लेते बन गया है, तो नए नए और भी आपका जो सॉन्ग आने वाला है उसके लिए आप क्या कहें? मेरे अभी नए नए सॉन्ग तो आने वाले हैं, बहुत सॉन्ग आने वाले हैं। अभी तो फिर कंपनी के लिए काम किया जा रहा है, अभी कई सारे कंपनी, इसलिए मेरे चैनल भोजपुरी डिस्को पे वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, ताकि काफ़ी लोगों का काम किया जा रहा है। तो फिर अभी गाना आने वाला है, देखते हैं। एक गाना है अभी, उस गाने का नाम हमको बोल रहे हैं, मेरे चैनल पर आने वाला है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। 2-3 दिन उसका शूट स्टार्ट होगा। और वही हम बात करें कि आप शादी कब करने वाले हैं सुशील भैया? शादी आप तो टॉपिक काफ़ी छेड़ दिए। अच्छा, इसके बारे में तो आप कभी ना कभी सोचे होंगे कि हमें, मतलब आपका प्लानिंग क्या है इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है शादी की, तो आदमी शादी तो जो भी आदमी है जो कि कुछ नहीं करते, लोगों को लोग नॉर्मल वो लोग कम से कम 20 साल के बाद 25 साल तक वो लोग शादी करते हैं, लगभग 25 से 30 साल तक। लेकिन एक अच्छे तरह से सक्सेस होना, जो कि हाँ मुकाम पे पहुंच जाना, जो कि एकदम सोचो कि हाँ हम यहाँ जाते हैं, ये करेंगे, जो हमारे गोल है वहां तक, जब तक आदमी पहुंच नहीं जाएगा तब तक आदमी इस सब चीज के बारे में सोचेगा। बाकी तो आज के समय जानने का है क्या चल रहा है, तो एक हुंडा लेके चला शादी करा। हाँ, ये तो बात है। और ये लोग जो आपसे डांस सीखना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप क्या माध्यम से डांस सिखाने के लिए क्या कहेंगे? आपका तो एक आदमी यानी कि क्लोज कर रहे हैं आपके टाइम में होने की वजह से, तो उन लोग जो आपको चाहते हैं, आपसे डांस सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या? उन लोगों का भी वो जो डांस सीखने का चाह है, उसको भी ध्यान में रख करके ये बनाया गया है कि अभी तो क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन क्लास चलेगा, क्लास एक दूसरे माध्यम से चलेगा, अभी उस चीज़ को मैं खोल नहीं रहा हूँ, क्लास चलेगा। और मैं आगे बता दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डांस का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँ, जो कि 4-4 मिलियन गया मेरा ट्यूटोरियल वीडियो, डांस सिखाने का वीडियो। हाँ, तो काफ़ी लोग 4 मिलियन जाने के बाद, जाने का मतलब कि काफ़ी लोग भाई लोग मुझसे डांस सीखते थे और मुझे पसंद करते कि मेरा स्टाइल सिखाने का, स्टाइल बताने का। देखिए, डांस कई लोग सिखाते हैं, मुझसे अच्छा सिखाते हैं, मुझसे बेटर स्टेप बताते हैं, लेकिन हो सकता है किसी का बताने का तरीका किसी का समझ में आ जाता हो, किसी का नहीं समझ में आता हो। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि लोग बोलते थे कि भाई आप एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हो, तो मैं भी थोड़ा सा मायूस रहता हूँ। मैं इस टाइम मेरे पास समय नहीं हो पाता कि मैं ट्यूटोरियल बना पाऊँ, लेकिन मैं ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा। मुझे लगेगा कि हाँ ये बढ़िया स्टेप है, अगर लोग जानेंगे, मेरे भाई जानेंगे लोग, तो अच्छा स्टेप करेंगे लोग, और कहीं भी डांस करने में धमाल होगा, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और जहाँ तक रही क्लास की बात, तो भाई इस पर भी काम होगा, इस पर भी बात होगा, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आते हैं
जो अनिकेत जी का नंबर पड़ा है वीडियो में, उस पर काफी कॉल्स आते हैं, दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं कि भाई मुझे डांस सीखना है, आप लोग कहाँ है, मुझे टीम में आना है, ऐसे लोग काफी लोग कॉल करते बात करते हैं, तो भाई सबका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। अच्छा, ये तो बात सही है। और वही हम बात करें जो कि भैया आप लोग डांस अगर सुशील भैया से सीखना चाहते हैं तो हम इनका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप इनका डांस ट्यूटोरियल वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के वहां पर डांस सिखाए हैं। तो ये तो अच्छा माध्यम है भैया कि आप कहीं भी रहिए आप फ्री में इनसे डांस सीख सकते हैं। हाँ, कहीं भी रहिए, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, यूट्यूब पे 5 से 6 मिनट का टाइम जाएगा, कभी कभी तो 3 मिनट का आता है, कभी कभी 5 से 6 मिनट का आता है, और वो 5 से 6 मिनट में अगर जो भी सीखने वाला होगा वो सीख सकता है, या फिर मेरा वीडियो नहीं किसी का भी वीडियो अगर देखे जो सीखने वाला होगा वो सीख लेगा, क्योंकि वो वीडियो को अगर गौर से देखेगा और पोज करके देखेगा, इंसान अगर लाइव सिखाएगा तो सिखा के चला जाएगा लेकिन वीडियो नहीं चला जाता है, अगर आप उसको रोक के देखेंगे आराम से पोज करके देखेंगे कि हाँ स्टेप कैसे है, ये पैर कहाँ गया है, तो आप निश्चित रूप से उसको सीख सकते हैं। ये तो बात सही है। तो और चलिए चलते चलते आप क्या कहेंगे ऑडियंस के जो आप लोग को देख रहे हैं? चलते चलते मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि बस अपने भाई सुशील कुमार पे ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और अनोखी स्टोरी चैनल है इनको भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं व्यूअर्स हैं इनको भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, जो कि इनका 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है, तो भाई को कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, कंग्रेचुलेशन, और थैंक यू भैया, और 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो चुका है, तो ऐसा आप लोग करिए कि इनका सब्सक्राइबर 1 लाख तक हुआ है, जल्द से जल्द इनको भी मिलियन तक पहुंचाइए, ताकि ये भी जिस लाइन पे आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ये तो बात सही है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट किसी से इंटरव्यू वीडियो में दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद।